यही रोड पे ही है हाँ। वहाँ से तो हमने देखा रास्ता देखा, यहाँ से ना बताओ हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से नई वीडियो में। और मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं, मैं कहीं उत्तराखंड में नहीं हूँ, मैं अभी भी फरीदाबाद में ही हूँ। और फरीदाबाद में ऐसी लोकेशन शायद ही आपने पहले कभी देखी हो। तो मैं आज एक्सप्लोर करूँगा ये गांव जो है, इसका नाम है मांगर। जो फरीदाबाद से आप आएंगे तो ये 18-20 किलोमीटर गुड़गांव रोड पर पड़ता है। तो ये मांगर गाँव का एक फेमस मंदिर है पहाड़ी के बीचों बीच, जो बनी वाले बाबा के नाम से यहाँ पर फेमस है। और वहाँ का जो रास्ता है बहुत ही प्यारा है। तो आज इस गांव के बीचों बीच से निकल के हम पहाड़ी के थ्रू और जाएंगे मंदिर में, दर्शन करेंगे। वहां का जो रास्ता है वो भी देखने लायक है और आपको लगेगा कि नेचर के बहुत करीब आ गए हम। तो चलिए आज चलते हैं उस रास्ते पे और करते हैं बनी वाले बाबा के दर्शन। दोस्तों, इस गांव में जाने के लिए दो रास्ते हैं। अगर आप फरीदाबाद से गुड़गांव की तरफ जाते हैं तो वहां से लगभग 20 किलोमीटर दूर एक कट है मांगर गांव के लिए, और वहां से आप नीचे की तरफ उतर सकते हैं। और एक रास्ता है बल्लभगढ़ सोहना रोड से, जो सिरोही गांव से पहले एक कट है, तो हम उसी रोड से जा रहे हैं सिरोही वाले कट से। तो यहाँ से आपको जो रास्ता है बहुत ही मज़ेदार मिलने वाला है। तो यहाँ पे हम ऐसा फील करते हैं जैसे जंगल के बीचों बीच आ गए हैं। देख सकते हैं यहाँ पर दोनों तरफ पहाड़ी है और बीच में कोई भी नहीं मिलेगा आपको, यहाँ कोई ऑटो वगैरह नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर अपनी गाड़ी से ही आप जा सकते हैं और बहुत ही मज़ेदार रास्ता आप देख सकते हैं, बिल्कुल वीरान, ना कोई गाँव वाला दिख रहा है ना कोई गाड़ी दिख रही है। तो अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सावधानी से जाएं और अंधेरे में ना जाएं, अगर इस रास्ते से आप जाना चाहते हैं। तो यहाँ पर बड़ी गाड़ी ही कामयाब है, क्योंकि बीच बीच में थोड़ी कच्ची सड़क भी यहाँ पर आपको मिलेगी। काफ़ी दूर चलने के बाद ये कुछ बकरियां यहाँ पर दिख रही हैं, तो कोई बंदा तो होगा ही यहाँ पर। तो देखते हैं एक बार इनसे थोड़ा सा रास्ता पूछ लेते हैं, क्योंकि हमें काफ़ी देर हो गई है यहाँ पर चलते चलते, पता लगे कहीं के कहीं निकल गए तो अंधेरा होने से पहले। एक बार पूछ लेते हैं कि हम सही जा रहे हैं कि नहीं। बड़ी धाम मंदिर कितनी दूर है? बड़ी धाम? हाँ, गांव में मंदिर है तो कोई दिक्कत नहीं है, गांव में पड़ेगा। मैं रोड का सीधा चल रही हूं, मैं रोड का होते ही सीधो करती पड़ी में जाकर लोगे को खती, यही रोड पे ही है हाँ। वहां से तो हमने देखा रास्ता देखा, यहां से ना बताओ भाई बहुत है बता रही था। दोस्तों, वहां से हम आ गए हैं बाहर की साइड और ये गांव यहां से शुरू हो जाता है। तो अब यहाँ से धीरे धीरे हम जाएंगे तो हमें एक रास्ता और मिलेगा जहाँ एक घना जंगल पड़ेगा और उसके बीचों बीच जाएंगे। तो मंदिर बिल्कुल जंगल के बीच में है ऐसा बताया गांव वालों ने। तो पहली बार हम जा रहे हैं तो देखते हैं यहाँ का जो रास्ता कैसा है। इस तरह का जो रास्ता देख सकते हैं यहाँ पर, बारिश के टाइम में यहाँ पर थोड़ी सी कीचड़ हमें मिल सकती है तो उस टाइम थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन रास्ता देखिए यहाँ पर कुछ कच्चा और दोनों तरफ बड़े बड़े पेड़, जंगल के बीचों बीच एक पुराना पेड़ और ये मंदिर यहाँ पर छोटा सा बना हुआ है जगन्नाथपुरी जी का। चलिए आगे चलते हैं। बीच में काफी सारे मोर भी यहाँ पर दिखाई देंगे। गाड़ी की आवाज सुन के थोड़ा सा भाग जाते हैं जो, लेकिन गाड़ी रोक के मैं एक बार आपको दिखाऊंगा जरूर। ये देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूँ। तो ज़्यादा देर गाड़ी रोकते हैं तो थोड़ा डर भी लगता है कहीं मोर के चक्कर में कुछ और ही ना यहाँ आ जाए। गांव में काफ़ी अंदर जाके ये मंदिर है और काफ़ी सुकून और शांति है चारों तरफ, बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। ये मंदिर पर पहुँच चुका हूँ, ये बहुत पुराना है, यहाँ पर कुआं देख सकते हैं आप, इसको थोड़ा कवर किया हुआ है। और ये देखिए गाड़ी हमने खड़ी कर दी है,
और अब हम चलते हैं आगे, यहाँ से हम आगे पैदल ही चलेंगे। लेकिन यहाँ का जो रास्ता है वैसे गजब का है, बिल्कुल जंगल के बीचों बीच हम आए हैं। यहाँ पर देखिए, ये शनिदेव जी का मंदिर है, तो शनिदेव के दर्शन आप यहाँ पर कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ बोर्ड लगा हुआ है, जय शनिदेव। और ये जो सामने आप देख रहे हैं शनिदेव के मंदिर के बिल्कुल सामने ही यहाँ पर एक कुंड बना हुआ है, तो यहाँ पर कुछ ये सीढ़ियाँ भी हैं देखिए। और ये पानी जो है इसमें फिलहाल आपको लग रहा होगा कि थोड़ा गंदा है, लेकिन यहाँ पर लोग हाथ मुंह जरूर धोते हैं और कहते हैं कि जो स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है वो यहाँ पर सही हो जाती है, ऐसी यहाँ की मान्यता है। और ये देखिए पेड़, कितना बड़ा पेड़ है ये, और देखिए इधर से यहाँ तक गया हुआ है तालाब के ऊपर से, और यहाँ से लेके ये देखिए यहाँ पे इसकी जड़ें, और इतना ये लेफ्ट में भी गया हुआ, काफी लंबा चौड़ा है। तो यहाँ पर अकेले ना आए क्योंकि रास्ता थोड़ा सा ये जंगल वाला है जैसे मैंने दिखाया आपको, तो यहाँ पर आप अगर ग्रुप में आए तो ज्यादा अच्छा है। तो रास्ता तो बहुत ही प्यारा है, बिल्कुल आपको जंगल वाली फील आएगी। ये आगे से कुछ रास्ता यहाँ पर पक्का बना हुआ है। और ये सामने एक मंदिर यहाँ पर छोटा सा बना हुआ है, अभी हम थोड़ा और हाइट पे जाएंगे, वहां से देखेंगे व्यू। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ब्रह्मलीन श्री छज्जूदास महाराज के शिष्य ब्रह्मलीन श्री बुद्धाराम भक्त, यहाँ पर डिटेल आप देख सकते हैं। आपको दिखा रहे हैं चारों ओर का व्यू, और थोड़ा आगे बढ़ते हैं जंगलों में एकदम। ये एक मंदिर और है यहाँ पर, ये देखिए यहाँ मंदिर के पास चारों तरफ का व्यू, और चारों तरफ फैला हुआ सन्नाटा। तो चारों तरफ देख सकते हैं काफी शांति है, बिल्कुल शोर नहीं है। सुकून और शांति के लिए आप यहाँ पर घूमने के लिए आ सकते हैं। दोस्तों देखिए यहाँ पर काफी सारे मोर हैं, लेकिन जैसे ही वो इंसान के आने की आवाज सुनते हैं ना तो थोड़े साइड में हो जाते हैं, दिखते नहीं है। लेकिन अभी यहीं रास्ते पे ही थे, मैं थोड़ा दिखा दूं आपको, साइड में आपको दिख रहे होंगे, वो देखिए वहां पर वो चढ़ गए ऊपर, ये देखिए भाग रहे, वो देखिए आगे कई सारे मोर हैं वहां पर। मंदिर का गेट है मेन, यहाँ से चढ़ाई शुरू हो जाएगी। और यहाँ पर देखिए ये कुछ मन्नत मांगने के लिए लोगों ने घर वगैरह बना रखे हैं यहाँ पर, जैसे अक्सर आपने देखा होगा लोग बनाते हैं। तो जय श्री राम यहाँ लिखा हुआ है, और यह मंदिर का गेट। तो चलिए ऊपर चलते हैं। तो जो व्यू है बहुत ही प्यारा है, बहुत ही जंगल के बीचों बीच। जय जय। जा रहा है सर, बहुत बड़ी ऐसी लोकेशन नहीं देखी देखी मैंने तो। ये अरुण ब्लॉगर आगे जाते हुए, कैसा लग रहा है अरुण? शांति, तीन बार आ चुके, शांति में ना, कहते हैं ना ऐसी जगह हम सोच रहे थे कि कहीं पहाड़ों में जाए, उत्तराखंड की तरफ एक प्लान बना रहे, तो उत्तराखंड वाली फील आ रही है ना पूरा एकदम, कहते हैं ना बहुत रिमोट लोकेशन है, मजा आ जाएगा। मतलब ऐसी लोकेशन फरीदाबाद में है, पता नहीं था, बहुत प्यारी जगह है। तो हम चाहते हैं कि हमारे वीडियो के माध्यम से लोगों के लिए पता लगे, है ना। तो मन ही नहीं कर रहा कि भैया कैमरा यहाँ बंद किया जाए, क्योंकि आप लोकेशन देखो चारों तरफ पहाड़ी के बीचों बीच घिरा हुआ ये जंगल, और इस तरह के पेड़ जिन्हों में ये होल देख रहे हैं आप, कितने पुराने पुराने पेड़ है। और ऊपर देखिए पेड़ और पहाड़ी कितनी ऊंची है। तो आगे चलते हैं, तो थोड़ी सांस चल गई है लेकिन काफी अच्छा लगा। तो हम मंदिर में आ गए हैं दोस्तों, देखिए ये पीछे मंदिर। दोस्तों जैसे ही आप यहां से एंटर करेंगे तो आपको जूते यहाँ उतार देने, और आप दर्शन करने के लिए आप पहले यहाँ पर ये जो भूमि है तो यहाँ से आप छूकर अपना आशीर्वाद ले सकते हैं। बाबा से अपनी मन्नत मांग सकते हैं और दर्शन करते हैं मंदिर में।
गेट तो बंद है। अब ये गेट यहाँ पर बंद है, ये आपको खोलना पड़ेगा यहाँ पर दर्शन करने के लिए। तो गेट को खोल के हम दर्शन कर लेते हैं। ये तो अपर एक गुफा है अंदर। और ये यहाँ पर आप दर्शन कर सकते हैं, बाबा की ज्योत यहाँ पर जली हुई है। और यहाँ पे थोड़ा खड़ा नहीं हो सकते, तो थोड़ा ध्यान से आप चलिएगा। यहाँ से सुरंग जा रही है, तो ऊपर जा रहे हैं। यहाँ ऊपर जाने के ऊपर ऊपर कमा लगेगी ना, यही मेन चल रहा। यहाँ से ऊपर चढ़ के भी दर्शन कर लेते हैं, व्यू देख लेते हैं। जैसे ये बने वाले बाबा हैं, जैसे बाबा है हमारे, तो वैसे ये बने वाले बाबा हैं, सेम उनकी तरह हैं। और ये भी जो है घोड़े पर सवार रहते हैं हमारे बाबा, तो देख रहे हैं। और इनकी भी काफी मान्यता है, यहाँ पर मन्नत जरूर पूरी होती है ऐसा माना जाता है। और सैटरडे संडे में यहाँ पर काफी भीड़ भी देखी जाती है। तो यहाँ का जो व्यू है और जो मंदिर है बहुत ही सुंदर है। जय बनी वाले बाबा। एक तरफ से आने के लिए है, एक तरफ से जाने के लिए है, ताकि यहाँ पर भीड़ ना हो। ये एक अच्छी चीज है यहाँ पर। और दर्शन करने के बाद जब आप बाहर निकलेंगे तो यहाँ से आप देखिए बाहर का व्यू, ये ऊपर पहाड़ी और चारों तरफ जंगल, जंगल के बीचों बीच ये मंदिर बना हुआ है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर काफी दूर दूर से लोग दर्शन करने के लिए भी आते हैं। और मंदिर के बाहर ही ये कुछ यहाँ पर घर बनाए हुए हैं, जैसे मंदिर के नीचे भी मैंने दिखाए थे। और यहाँ पर मन्नत मांगते हैं लोग, घर की जैसे मन्नत मांगते हैं, तो उसके लिए भी ऐसे लोग यहाँ पर घर बना बना के जाते हैं। तो काफी मान्यता है मंदिर की। और दोस्तों, इस मंदिर के अंदर से जहाँ से अभी हमने दर्शन किए थे, वहाँ से एक नीचे से सुरंग भी जाती है, जो तो मोहताबाद वाला जो एक मंदिर है झरना मंदिर, वहां तक वो जो सुरंग है वो गई हुई है यहीं से। और दोस्तों, यहाँ पर अगर आप आना चाहते हैं तो अंधेरा होने से पहले पहले यहाँ पर आ जाएं, क्योंकि लेपर्ड वगैरह का यहाँ पर थोड़ा सा खतरा रहता है। तो क्योंकि जंगल तो है ही है चारों तरफ, देखिए तो थोड़ा सा खतरा रहता है। तो आप यहाँ पर जब आएं तो थोड़ा सा दिन के टाइम में उजाले उजाले में ही आ पाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। दोस्तों, दर्शन हमने कर लिए हैं और यहाँ से देखिए जो व्यू है ऊपर जाने का बहुत ही प्यारा है। और चलते हैं अब दूसरी जगह, देखते हैं वहां पर जो व्यू है। कहते हैं कि व्यू जो है बहुत प्यारा दिखता है यहाँ से पहाड़ी के ऊपर से। तो चलते हैं और देखते हैं वहां से व्यू, और फिर हम वीडियो का एंड करेंगे। लेकिन आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो आप सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी ही लोकेशन, ऐसी ही वीडियो जैसी आपने देखी है अभी, ऐसी लोकेशन आपको मेरे चैनल पर देखने को मिलती रहेंगी। तो चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कुछ और मोर आपको दिख रहे होंगे, तो मोर यहाँ पर काफी मिलेंगे आपको। आते वक्त हम आए थे सोहना रोड से, और जाते वक्त अब जाएंगे गुड़गांव रोड से। तो देखिए, ये यहाँ से वापसी के टाइम जब हम चढ़ते हैं तो यहाँ पर काफ़ी चढ़ाई है, जो गुड़गांव रोड से जब हम आएंगे मागल गांव में तो इसी चढ़ाई से हमें नीचे उतरना होता है। तो काफ़ी हाइट पे है ये, तो यहाँ से पूरे गांव का व्यू आप देख सकते हैं। तो ऊपर चलकर मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ का व्यू। तो
मांगल गांव से जो रोड आ रही है ये सामने सीधा ये जाके टच होगी अब गुड़गांव रोड पर। दोस्तों यहाँ पर देखिए हल्की हल्की धुंध भी दिख रही होगी, तो आपको लग रहा होगा जैसे हम कहीं शिमला में आ गए हैं, तो शिमला मनाली जाने की जरूरत नहीं है इस मौसम में। अगर आप यहाँ से जाएंगे व्यू देखेंगे यहाँ का, तो बहुत ही प्यारा आपको नजर आएगा और बहुत ही मतलब नेचर के बहुत करीब आप पाएंगे अपने आप को। जो रास्ता वो भी देखिए यहाँ पर गाड़ी जाते हुए देख सकते हैं, और ये बंदर भी देखिए, तो बहुत ही मतलब अच्छा रास्ता है। और यहाँ से आप पूरा जो मांगर गांव है वो यहाँ से देख सकते हैं, तो पूरा जैसे चढ़ाई होती है ना वैष्णो देवी की, उस टाइप की चढ़ाई पे हम आ गए। और यहाँ नीचे पूरा गांव देख सकते हैं आप, छोटे छोटे घर और चारों तरफ पहाड़ी, और ये ज्यादा रोड, यहाँ से हम जाके फरीदाबाद निकल जाएंगे। दोस्तों हमने पूरी वीडियो देखी यहाँ मांगर विलेज के बीचों बीच, जो बनी वाले बाबा का जो मंदिर था, रास्ता भी देखा बहुत प्यारा था। अब आप मुझे कमेंट करके बताइएगा वीडियो और ये रास्ता आपको कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ऐसे ही आने वाली वीडियो में और नई लोकेशन के साथ फिर मिलूंगा आपसे। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।